एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। हाँ भाई, अभी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। हमने लास्ट व्लॉग अभी जस्ट 20 मिनट पहले एंड किया, जो कि आपने कल देख लिया होगा। एंड किया तब टाइम बज रहे थे 10, अभी बज रहे हैं 10:20-25 के बीच वाला टाइम हो रहा है। और आपका भाई एकदम रेडी हो चुका है। देखो, थोड़े बहुत बाल भी सेट कर दिए और मस्टचे सेट नहीं किया, क्योंकि भाई मस्टचे का अभी रात को कुछ काम नहीं है। वैसे तो बाल का भी नहीं है, पर ऐसे कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत सेट कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है। बाकी रुचा अभी तक रेडी हो रही है, और आप लोग नहीं मानोगे, देखो एसी 20 मिनट का चलाया हुआ है, पर भाई गर्मी पसीना कमी नहीं हो रहा है। इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है सूरत में। और आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज का व्लॉग किसका है। भाई आज ये इस साल थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को ये वाला व्लॉग शूट करने में, क्योंकि टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था, एक भी वीकेंड नहीं आ रहा था। और जिस जो वीकेंड आ रहा था उस टाइम पे मम्मी घर नहीं थी, तो भाई घर पे रहना जरूरी था, उस टाइप का सब माहौल हो गया था। हाँ, बट अब फाइनली आज लास्ट डे है गणपति का, कल विसर्जन हो जाएगा। आप लोग तो ये व्लॉग बाद में देख रहे होंगे, विसर्जन होने के बाद। बट भाई यस, मज़ा आएगा आज गणपति देखने का। हम लोग ट्राई करेंगे, मैं और रुचा पूरा ट्राई करेंगे कि जितने ज़्यादा गणपति दिखा पाए और हम लोग खुद घूम पाए, उतने ज़्यादा गणपति हम लोग घूमने की ट्राई करेंगे, है ना? हाँ, और क्योंकि फिर कल जल्दी उठना भी है, क्योंकि कल विसर्जन है ना, तो उसकी भी सब तैयारियां करनी है, तो उसके लिए भी जल्दी उठना है। एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो भाई, एकदम ताबड़तोड़ एक्साइटमेंट लेवल है। रात को 10:30 भी 10-15 के ऊपर का ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और ये देखो, ये यार मैं तैयार हो गई हूँ, ऐसा वो पिछले 10 मिनट से बोल रही है। ऐसा होता है मैं आउटफिट मेरा सिलेक्ट कर लूँ, देख कितने बिखरे बिखरे से पड़े, तब मेरे को एक्चुअली में यही पहना, मैं सिर्फ देखो पहन पहन के दिखा रही थी सारे ड्रेसेस। मतलब ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है। जब उसने दिमाग में सोच के रखा है कि उसको ये पहनना है, तो डायरेक्ट वो पहन क्यों नहीं लेती है? मेरे को 3 से 4 आउटफिट चेंज करके दिखाए, मैं बोलता हूँ हाँ ओके, फिर अंदर जाके बोलते नहीं ये अच्छा नहीं। अरे तो फिर मेरे को पूछती क्यों है तू? ओ भाई, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो प्लीज कमेंट डाउन। और अभी सीधा चलते हैं बाहर भाई, है ना, और दिखाता है आपको गणपति। ये व्लॉग में ज्यादा ऐसा कुछ बातें वाते नहीं करनी, आप लोग गणपति देखो और एंजॉय करो। फाइनली ये एक जो थीम पूरी बनाई हुई है, जय श्री केदार, केदारनाथ बाबा के ऊपर पूरी ये डेकोरेशन पूरा किया हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो, और लिखा भी है जय श्री केदार। चलो, और भीड़ भी देख लो, भीड़ भी, बाकी ये तो कम भीड़ है, अभी तो और ज़्यादा भीड़ आपको दिखाएंगे। शरणागता
तो आपने ये वाली एक मूर्ति तो देखी भाई, ये देखने में इतनी है पर बहुत बड़ी है। और ये जो देख रहे हो ना वो कोई और नहीं है, यहाँ पे देखो ये वायुदेव है, वायुदेव पे विराजमान है, ऐसी एक है ये पूरी प्रतिमा। सही है, दिखाऊं कितनी बड़ी है? रुचा वहां पे खड़ी रहे तो हाँ, और चॉकलेट का हार पे फोकस करो, ये रहा देखो, और ये देखो रुचा सिर्फ इतनी है और ये इतनी बड़ी है। इस तरफ इतने बड़े गणपति है, ये देखो रुको, हाँ ये फोकस करता हूँ, इस तरफ भी इतने बड़े गणपति है, इस तरफ भी इतने बड़े गणपति है, लेकिन ये छोटू से गणपति पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी जस्ट मैं और रुचा खड़े रहे ना तो यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गई। बाकी ये देखो कितने प्यारे से छोटू से गणपति एक घर के कॉर्नर में सेट किए हुए, मतलब बिठाए हुए है, बहुत अच्छा है। ये एक एकदम प्यारा सा मंडप दिखा हम लोगों को, और यहाँ पे है ना एकदम सब आसन के नाम लिखे हैं, ये देखो मेरे को तो ठीक से पढ़ने भी नहीं आते, अर्धमत्स्यासन, धनुरासन, बक्कासन, ये और फिर ये, बाकी है सब मूर्ति बाल गणेशा की टाइप की है और मंगल मूर्ति वो है। हाँ भाई ये देखो दिख रही है ये छोटी छोटी चॉकलेट्स, ये वाला सिस्टम है यहाँ पे। रुचा मजा आ रहा है? अरे पब्लिक कितनी है यार, रात के 2:30 बज रहे, समझ में नहीं आ रहा पब्लिक कहाँ से आ रही है। और मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ, रुपी देखो इतने ऐसा होता है, एक गणपति वहाँ पर है, दूसरे गणपति यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और तीसरे गणपति यहाँ पर है, और ये गली में से इस तरफ 4 गणपति, इस तरफ 4 गणपति है। ओ जी हम आ गए हैं मोटा मंदिर युवक मंडल राम नगरी। तो यहाँ पे ना पूरी अंदर से राम नगरी जैसा बनाया हुआ है,
देखते हैं कैसा है, क्या है क्या नहीं। मतलब ऑलमोस्ट आजू बाजू में सब शॉप्स है और बीच में से ये पूरा जा रहा है, और आप लोग ये जो पूरी सब तैयारी की हुई है उस हिसाब से देख सकते हो और पता लग सकता है कि कितना भीड़ होता होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं और अंदर चलते हैं और आपको मूर्ति दिखाते हैं। चीतोस, कैसे लगे आगे के सब वीडियोस, कैसे लगे गणपति? और आप सबको तो पूछ ही रहा हूँ, साथ साथ रुचा को भी पूछ रहा हूँ, रुचा कैसे लगे गणपति? भाई वो चल चल के उसकी हालत खराब हो गई है। और आपको टाइम दिखाऊं, इन लोगों ने कितना चलाया मेरे को, इसके फ्रेंड लोग तो अभी भी देख रहे हैं। मैंने बोला मेरे को घर ले चल, मेरे को। हाँ भाई, हम लोग तो देखते हैं, देखो हम लोग तो सुबह 5 बजे आएंगे और अभी कितना टाइम हो रहा है। टाइम दिखाऊं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे। हम कितने बजे निकले थे आपको याद है ना? 10:30 बजे निकले थे ना। टाइम देखो आप, टाइम देखो, 3:30 बजने को आए। कितने? 3:30 बजने को आए। 10:30 बजे निकले थे, 3:30 बजने को आए, और अभी सोने में और एक आधा घंटा पौना घंटा लगा लो, मतलब 4:30 बजे तक सोएंगे। एंड देन कल फिर घर पे भी विसर्जन करना है ना, तो उसके लिए भी उठना है। हाँ भाई भाई, यही तो सब मजे है यार त्योहार के। ये देखो इसकी एनर्जी इतनी डाउन हो गई है मेरे फेस पे, और उस पर लग रहा भी है कि मैं इतना चल के आया। और अभी देखो मेरे में ना स्टेप वाला है सिस्टम, तो भाई लोग, भाई लेकिन ये 12 बजे के बाद का है ना। अरे हाँ, तो 12 बजे के बाद का, लेकिन 12 बजे के बाद से भी हम लोगों ने 3720, ये देखो 3720 स्टेप चल दिए। और ये तो मेरा फोन इसकी जेब में था, ये कम चली, बाकी मैं तो फिर जहाँ पे एक्टिवा रखा था वहां पे एक्टिवा लेने गया, वापस आया, फिर से ये किया वो किया। मतलब मेरे तो ऑलमोस्ट 4,000 से 4,500 स्टेप कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। और बाकी चलो भाई, अभी इसकी हालत इतनी डाउन हो गई है बराबर, तो इसको अभी सुला देता है। हा? अपने में तो एनर्जी अभी भी फुल है भाई, अभी भी कोई बोले तो अभी भी हम अपन से घूम सकते हैं सुबह 5-6 बजे तक बराबर। बाकी चलो कोई नहीं, अगर देखो भाई आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा बना हो या कैसा बना है, क्या बना है, कितना लेंथ का बना है वो पता नहीं है, तो जैसा भी बना हो आप लोगों को कैसा लगा वो बताना। जो सिटी में गए थे घंटे देखने के लिए यार, 2-2 मंजिल हमारे घर की थी ना, उससे तो बड़ी ही मूर्ति आती, और यहाँ पे मूर्ति है, थोड़ा स्टेप चलो और आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, एक ही लाइन में कितनी सारी। और भाई एक एक मूर्ति 2 मंजिल ऊपर की ही थी। मैंने यार सीरियसली, यहाँ पे तो छोटी छोटी होती है, डेकोरेशन बड़ा होता है, लेकिन वहां पे खुले ही मंडप, ऐसा नहीं कि मंडप भी बंद करते, खुले ही मंडप और बड़ी बड़ी मूर्तियां, मजा आ गया भाई। और भाई एकदम अलग अलग मूर्तियां जिस भी मंडप में देखो, कौन से अलग ही होगा सबका, ऐसा होता है। बाकी चलो कोई नहीं गाइस, आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।